जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं नीदरलैंड वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन के जीएल का टीम जरूर बताऊंगा आपको वीडियो में आके, और मुझे लगता है कि इस मैच को आपको जीएल आराम से टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक दो चेंजेस कर लिए अपने टीम में तो आप अच्छा वाला जीएल में रैंक टॉप लेके आ सकते हो। तो वो आपकी क्या बदलाव होंगी वो हम फटाफट 2 से 3 मिनट में बात कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको जो भी मैं बताऊंगा वो साइड स्क्रीन पे अब दिखना स्टार्ट हो गया होगा। एक मैंने आपको स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड करवाई है जहां पे हमारी टीम में होंगी नाना पत, फिर चंतम, एसटीआर कैलिस, रिस्की, बुचतम, टिपूच, ओनिचा, सीडी लांगे, टिपुथोंग, ज्वेलिंग और एन मनुष्कम। अब ये हमारी टीम है एक जो मैंने आपको बताई है स्मॉल लीग के लिए, और जो मैं आपको जीएल का भी टीम दे रहा हूँ वो ओवरऑल सब आपको लेके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ड्रीम इलेवन पे एक जो प्लेयर लेके जाऊंगा बैटिंग सेक्शन से, आपको मैं इंडिविजुअली एक एप्लीकेशन को लेके नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको ओवरऑल सभी आप पे बता रहा हूँ आपको वहाँ पे करने क्या है। स्टार्टिंग में आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि ड्रीम इलेवन से आपको सिर्फ एक बल्लेबाज लेके जाना है जिसका नाम है चंतम, और एक जो भी गेंदबाजी भी कर ली थी पिछले मैच में रिस्की आप उसको लेके जा सकते हो। अब आपको इस सेक्शन के ऊपर ध्यान देना है प्लस विकेट कीपिंग के ऊपर ध्यान देना है। विकेट कीपिंग में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे बीडी लेटी नानापत कौन से रैंक का है। मैं आपको बोलूंगा कि स्मॉल लीग मिनी जीएल जीएल सभी जगह आपको नानापत कौन से रैंक है को ट्राई करनी चाहिए। काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, वनडाउन बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्लस विकेट कीपिंग भी काफी लाजवाब करती है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक स्मॉल लीग की टीम में देखा होगा जो मैंने पहले टीम बनाए हैं जिससे मैं मिनी जीएल जीएल भी खेलूंगा, कैप्टन बुस्तम है, टिपुथोंग हमारी वीसी है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ 3 बेहतरीन टीम जिसको आपको फॉलो कर लेने आपके लिए मिनी जीएल जीएल आसान हो जाएगा। वो क्या, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो सामने वाली टीम है कौन सी टीम, नीदरलैंड में जो कमजोर मुझे दिख रही है, थाईलैंड में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो थाईलैंड में के आपको पिलर को इर्द गिर्द कैप्टन वीसी रोटेट करनी चाहिए। 5 में आपको पिलर बता रहा हूँ जिसमें बुस्तम हो जाएगी, ओनिचा 2, टिपुथोंग 3, टिपूच 4, और मैं आपको एक प्लेयर का नाम बोलूंगा जिससे मुझे हमेशा उम्मीद होती है उसका नाम है एन चंतम। इस 5 प्लेयर का नाम याद रखिएगा, किस किस का, बुस्तम, ओनिचा, टिपूच, टिपुथोंग और एन चंतम। अब आपको करना क्या है, वैसे अब थोड़े से मेहनत करने होंगे, लाइनअप ठीक ठाक पहले आ जाएंगी, आपको 20 टीम तैयार करने होंगे। राजा भाई इस 5 प्लेयर के साथ 20 टीम सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो 100% आपके आ जाने हैं। आपकी जो टीम होगी ना 20 का 20 वो सेम टीम होंगी, टीम में आपको बिल्कुल भी इधर उधर कुछ भी नहीं करने हैं, क्योंकि आप जो 49 लगा रहे हो वो अल्टीमेटली 49 के 49 तो आने ही हैं इस टीम से। ऐसा नहीं कि आपका एक भी टीम विनिंग जोन से बाहर होगा, आपका सारा का सारा टीम विनिंग जोन में होगा। बस जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो कर लेनी है अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एक या दो टीम जीएल में 1 या 2 रैंक पर आ जाए। वो क्या बातें हैं, आपने एक टीम में बुजतम और पुथुओं को कैप्टन बीसी दे दी, दूसरे टीम में आपको इस दोनों को कैप्टन बीसी अपोजिट कर देना है, मतलब टिपुथुओं कैप्टन होंगी और बुजतम आपकी बीसी होंगी, ये 2 टीम आपका बन गया। तीसरा टीम में अब आपको क्या करना है ना, बुजतम और टिपूच को पकड़ लेना है, बुजतम कैप्टन, टिपूच बीसी आपको करके चल जाने हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा टीम में टिपूच कैप्टन, बुजतम बीसी आपको करके चले जाने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। पांचवा टीम में आपको क्या करना है, बुजतम और चंतम को पकड़ लेने हैं, कैप्टन बुस्तम और बीसी चंतम कर देने हैं। छठे टीम में चंतम कैप्टन और बुस्तम आपके बीसी कर देने, क्योंकि ये पिलर का पॉइंट देना ही है, बुस्तम पॉइंट देंगी ही, छठे टीम हो गया आपका। सातवें टीम में आप क्या करोगे, बुस्तम कैप्टन, ओनिचा आपको बीसी कर देने हैं। आठवें टीम में ओनिचा कैप्टन और बुस्तम आपको बीसी कर देने हैं, ये आपके 8 टीम बन गए। नौवें टीम में आपको क्या करना है, नौवें टीम में आपको पकड़ लेना है यहाँ पे एन बुस्तम को, आपके ये भी बन गए, ये भी बन गए, ये भी बन गए, ये भी बन गए, आपकी 8 टीम रेडी होंगी। जिस भाई को आप सिर्फ 8 ही टीम से जीएल टारगेट करना है वो यहाँ पे रुक सकते हो, ये आपकी 8 टीम सबसे बैलेंस, सेफ एंड सिक्योर, जो कि आपको हमेशा से टॉप रैंक लेके दे सकता है। लेकिन जिसको इससे ऊपर जाना है और आपको 12 टीम ट्राई कर लेनी है तो आप एक पिलर को पकड़ना जिसका नाम है टिपुथोंग, जो मैंने बुजतम वाली केस में बताई 8 टीम में, सेम आपको क्या करना है पुथुओंग वाली टीम में भी कर लेनी है। जैसे कि एक में पुथुओंग को पकड़ लिए, कैप्टन टिपूच को दे दिए, फिर टिपूच कैप्टन, बीसी पुथुओंग, फिर बुजतम कैप्टन यहाँ पे बीसी और यहाँ पे पुथुओंग कैप्टन, तो यहाँ पे आपने ये पहले भी लगा रखें तो इसमें आपको 2 पेयर कम बनेंगे, मतलब पिछले वाले में आपको 8 पेयर बन गए थे, इसमें बनेंगे आपको 6 पेयर। रीजन क्या है कि आपने बुजतम पुथुओंग को तो पहले ही कैप्टन बीसी दे दिए हो, 14 टीम आपके बन गए, ठीक है। अब 14 के बाद 6 टीम आपको और बनानी है, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने दिल का कॉल लेने के लिए, वो दिल का कॉल है दोस्तों ओनिचा कमसोफू, इसको आप लोग पकड़िए या फिर इसको पकड़िए, इस दोनों में से आपका दिल किसको कह रहा है पकड़ने के लिए वो पकड़ लीजिए, ठीक है।
अब उसको पकड़ने के बाद आपको क्या कीजिए, उसको कैप्टन दे दीजिए। जैसे कि मान के चलो मुझे लगता है कि ओनिचा हमारे वो पिक बन जाएंगे तीसरी कैप्टन बीसी की मटेरियल वाली, आपको इसको पकड़ लेना है, फिर आपको इसको कैप्टन दे देना है, इसको बीसी दे देना है जो कि आपने ऑलरेडी पहले दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग भी आपको टीपुत्वंग टीपुच और चंतम को लेकर कैप्टन बीसी वाली टीम रोटेट कर लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको छह टीम बन जाएंगे, 8, 6, 14, 6, 20। इस 20 टीम के साथ आपको जीएल मिनी जीएल ट्राई कर लेने, अगर आपके जीएल मिनी जीएल में टॉप रैंक नहीं आया वैसा ये हो ही नहीं सकता है। 100% का 100% सिक्योरिटी है कि इस मैच में आप टॉप रैंक लेके आ जाओ, जो मैंने 15 बताए वो आपको फॉलो कर लेनी है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकेस मुझे जीएल का अगर कोई अपडेट देना होगा तो मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल अधिक से अधिक ट्राई कीजिए।